नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले समिट का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया। 29 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ यह उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट है, जो उत्तर प्रदेश में विकास के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले देश उत्तर प्रदेश में इस बार निवेश के भी अब तक के सबसे बड़े दावे किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का जो वादा किया था, वो वादा अब धरातल पर आकार लेना शुरू कर चुका है। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए विदेश में रोड शो से लेकर देश के तमाम राज्यों में सेमिनार और बैठकों के दौर के बाद 10 फरवरी के दिन उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। समिट में 29 लाख करोड़ के निवेश का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसे धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार ने जमीनी स्तर पर कई बदलाव किए हैं। 90 के दशक का वो दौर जब राज्य में एक स्थिर सरकार बनाना ही एक चुनौती बन गया था, आज योगी के शासन में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। बीते 6 सालों में सरकार ने जो जमीनी स्तर पर सुधार किए, उन्हीं सुधारों के बल पर उत्तर प्रदेश ग्लोबल स्तर पर निवेश का एक बड़ा हब बनती जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 18,643 MOU पर हस्ताक्षर, आने वाले सालों में 29 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद, 92,50,000 लोगों को रोजगार देने का अनुमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9.55 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, बुंदेलखंड के लिए 4,28,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 4 देशों से 90,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात। यूपीसीडा ने चारों देशों के द्वारा 12 MOU पर हस्ताक्षर। उद्योग स्थापित करने के लिए 15,000 एकड़ से अधिक का लैंड बैंक,